स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ मधुपुर चारों लीजन। चलिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं प्रदेश के क्या कुछ रहे आज हाल। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज दो दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंची। पहले सीएम ने जहां श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर संतों का आशीर्वाद लिया, वहीं उसके बाद ऑडिटोरियम में डूंगरपुर विधानसभा का जनसंवाद करते हुए कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। सीएम राजे डूंगरपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले गेव सागर झील किनारे पहुंची, जहां उन्होंने झील का अवलोकन किया। इसके बाद सीएम ने श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और साधु संतों से आशीर्वाद लिया। संतों ने भी एक सुर में सीएम राजे को विजयी भव कहकर अगले चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद दिया। यहां से सीएम राजे प्रताप सर्कल पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, वहीं राजपूत समाज के प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम राजे ने डूंगरपुर विधानसभा के 5 मंडलों के कार्यकर्ताओं से जनसंवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। कार्यकर्ताओं ने सीएम के समक्ष खुलकर अपनी समस्याएं रखी, जिसमें रिक्त पद, छात्रवृत्ति, बिजली व पानी की समस्याओं पर सीएम ने शीघ्र निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। जनसंवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा कि जिले में जनप्रतिनिधियों की आपसी गुटबाजी से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है।